अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम मौजूद हैं खानेवाल जंक्शन पे, शाम के 4:35 हुए हैं और 5 मिनट अर्ली चल रही है 115 मूसा पाक एक्सप्रेस, जिसको लीड कर रहा है किंग लोकोमोटिव AG36013। तो आज एक शॉर्ट सा जर्नी, फास्टेस्ट सा जर्नी सिर्फ कवर करूँगा और आपको लेके जाऊँगा मैं लाहौर। ट्रेन अप्रोच कर रही है, उसका अराइवल देखते हैं, उसके बाद जाके बैठते हैं अपनी इकोनॉमी क्लास की सीट में। आगाज़ में पावर वैन, उसके बाद 3 बिजनेस क्लास की कोचेस और उसके बाद इकोनॉमी क्लास। ये मेरी कोच है 6 नंबर। दोस्तों सीट पे बैठ गया हूँ मैं आके अपनी सिंगल सीट 74 नंबर। और फेयर का मैं आपको बता रहा था कि खानेवाल से एक दिन पहले तो मुझे कोटा नहीं मिला, सुबह सुबह आज मैंने बुक की थी जब मैं रावलपिंडी से पहुँचा लाहौर, और 1000 रुपये की ये सीट मिली। नहीं जी, AG30 का विसल सुन लिया आपने, 5 मिनट खड़े होने के बाद डिपार्चर हॉर्न जो है वो दे दिया है ड्राइवर साहब ने। जी बहुत ही ज़बरदस्त पिकअप के साथ AG36013 ने डिपार्चर किया है खानेवाल जंक्शन से। होपफुली आगे का जो ट्रैवल है वो भी फास्टेस्ट होने वाला है, देखते हैं कि आज का जो क्रू है वो किस मूड के अंदर बैठा हुआ है। ऐसा जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान रेलवे में मूड पे भी डिपेंड कर रहा होता है। वैसे तो हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, पर कई दफ़ा आपको पता है कि ज़रा मूड ज़्यादा अच्छा हो तो थोड़ा सा पाँव भी ज़्यादा दबाते हैं। अभी हम खानेवाल लोकोमोटिव शेड के करीब से गुजर रहे हैं, जहाँ पे आजकल जो लोकोमोटिव एक्टिविटी है वो अबैंडन्ड है और ये सारी एक्टिविटी अब मुल्तान को सौंप दी गई है। पर ये है कि जो रनिंग स्टाफ का सारा नेटवर्क है वो यहाँ पे मौजूद है, ड्राइवर्स वगैरह, असिस्टेंट ड्राइवर्स सब चेंज और रिप्लेस वगैरह होते हैं। राजपूत नगर रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है और स्पीड है तकरीबन 110 किलोमीटर/घंटा। रेलवे स्टेशन है कच्चा खू, वहाँ से हम पास थ्रू हो रहे हैं।
ब्लॉक हुआ हुआ है 116 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे, और मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही है ट्रेन हमारी। के 15 मिनट पर ट्रेन हमारी मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। देखिए 2 मिनट रुकने के बाद निकल पड़ी ट्रेन मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन से, और अब तक का जो मैक्सिमम स्पीड अचीव की है G30 ने वो की है 118 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ी थोड़ी चेकिंग की आवाज़ भी आ रही है, हालांकि यहाँ से तकरीबन 7 कोचेज आगे है लोकोमोटिव। सुबह जब मैंने सीट बुक की तो मैंने ट्राई की कि जो पहली कोच होती है बिजनेस क्लास उसमें जगह मिल जाए या दूसरी में, पर वो ऑलरेडी बुक थी, इस वजह से फिर पीछे इकोनॉमी क्लास में बैठना पड़ा। इकबाल नगर रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है, और इसके बाद नेक्स्ट होपफुली आपको मैं दिखाऊंगा एयर टाउन से क्रॉसिंग। रेलवे ट्रैक के साथ साथ आपको N5 नेशनल हाईवे नज़र आ रही है जो कि कनेक्ट कर रही है लाहौर को मुल्तान, और मुल्तान को सक्कर, सक्कर को हैदराबाद, और फिर आगे कराची को। तो ड्यूल कैरिज वे है ये, किसी ज़माने में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हुआ करते थे स्पेशली लाहौर मुल्तान ट्रैफिक के लिए, पर जब से मोटरवेज बनी है तो फिर इसके ऊपर जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है लॉन्ग डिस्टेंस वाली वो कम हो गई है। बज के 40 मिनट हुए हैं और ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है चीशावतनी रेलवे स्टेशन पर।
साथ जो कि आज सुबह निकली है रावलपिंडी से और कराची जा रही है। ट्रेन हमारी साहिवाल रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है, यहाँ भी 2 मिनट का स्टॉप होगा। सामने वाले प्लेटफॉर्म पे जो पैसेंजर मौजूद हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस का, जो कि लाहौर से निकली है दोपहर को और कराची की तरफ जा रही है। सामने से लाइट्स विजिबल हो गई 34 डाउन की। लैट्यू 36304 लीड कर रहा है पाक बिजनेस एक्सप्रेस।
7 बजे ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है ओकाड़ा रेलवे स्टेशन। और 559 लीड कर रहा है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस को, जो कि ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है और हमारी ट्रेन निकल चुकी है ओकाड़ा से। हुई है 60 डाउन कराची एक्सप्रेस, लाहौर से निकली है और कराची इसकी मंजिल। को 7:32 हुए हैं और ट्रेन अभी हमारी पहुंच चुकी है पतोगी रेलवे स्टेशन पर।
रात को 8:10 पर ट्रेन हमारी रायगढ़ जंक्शन पे पहुंच चुकी है। जी रात के 8:40 हुए हैं और ट्रेन हमारी कोल लखपत रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। दोस्तों पूरे 9 बजे ट्रेन हमारी लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। अभी आउटसाइड है ट्रेन। ट्रेन हमारी आउटसाइड ही खड़ी हुई है और सामने से 6 डाउन ग्रीन लाइन आ रही है।
Thank you.